गुड मॉर्निंग, और आज है डे 26 और हम लोग जग चुके हैं। साक्षी भी अब उठ गई है। Meanwhile, एंड बहुत सारे हाउसवर्क मैंने किए हैं जिससे मेरा के स्टेप्स हो गया है 674, और अब हम लेंगे अपना प्री वर्कआउट। उसके बाद हम लोग जाएंगे वर्कआउट के लिए। तो आइए देखते हैं प्री वर्कआउट में क्या है। आपने तो कल रात में देखा होगा, हमने रात में ही मेथी वाटर सोक किया था, उसे हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे और ये लेंगे हम लोग अपना मेथी वाटर। और साथ में है यहाँ हमारे पास ये एलमंड्स, जिसे हम लोग अभी पील करके लेने वाले हैं। मैं 6 एलमंड्स लूँगी एंड बाकी एलमंड्स हैं चंदन के लिए, साक्षी के लिए एंड पापा के लिए। तो रैंडम ले रहा हूँ मैं अपना एलमंड्स। ये 6 थे लेकिन 3 मैं खा गया। ये रहा नहीं जाता। 3, 2, 1, GO! फ्रेंड्स, वर्कआउट हो गया है लेकिन आज मैं वर्कआउट नहीं कर पाया क्योंकि मैं लेट से उठा था और सूट भी बहुत सारा करना था इसलिए। लेकिन मम्मा का वर्कआउट मैंने अच्छे से कराया है और रिकॉर्डिंग भी अच्छे से कर दी है। तो मम्मा आपको बताएंगी कि जब आपका वर्कआउट मिस हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए। लंबे समय तक आपको सिटिंग नहीं करना चाहिए। हर 1 घंटे पर आपको 5 to 10 minutes का ब्रेक लेके थोड़ी सी वॉकिंग या थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना चाहिए ताकि आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फिर से अच्छा हो जाए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है और फिर से आप कैलोरी बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग ने स्टफ पराठा बनाया है। सूट इज डन, आप इंजॉय कीजिए तब तक। आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत गर्मी है इसलिए साक्षी की ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुके हैं। तो साक्षी कर रही है, बताइए साक्षी, ऑनलाइन क्लासेस राइट। अभी ये ब्रेक है तो अभी मैं लर्न कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे ये भी लर्न करना। राइट राइट। आज ब्रेकफास्ट में हमारे पास ये स्टफ पराठा एंड पीनट की चटनी, दही विथ फ्लैक्स सीड पाउडर एंड ये है खीरा। और इस पराठा की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मम्मा साक्षी के क्लास को भी देख रही है। आज आपके मॉर्निंग स्नैक्स में क्या है? ब्लैक प्लम जामुन। कैन वी टेक जामुन इन वेट लॉस? यस, जामुन एक बहुत अच्छा फ्रूट है, अभी जामुन का सीजन भी है और वेट लॉस में ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर इनफ होता है, लो इन कैलोरी है और डायबिटीज में भी आप इसे खा सकते हैं। इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। क्या बात है। तो ये आपके स्किन हेल्थ के लिए एंटी एजिंग है एंड फ्री रेडिकल डैमेज से आपके बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। एंड जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, इसमें बहुत सारे विटामिंस एंड मिनरल्स भी है। लंच में हमारे पास है काबुली चने के छोले, दही, परवल की सब्जी, खीरा एंड चावल। चावल मैंने कम लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही है अभी और मुझे लगता है ये भी खाना मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो रहन दो फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करना पास आया है एक ये डिलीवरी, देखते हैं इसमें क्या है।
वैसे तो हम लोग को पता है कि इसमें क्या है, बट हम इससे लाइव देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है और कैसा इसका लुक है। ये है तो बहुत सुंदर, लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो गई है कि इसमें ये थर्मोकोल है वो ज़्यादा चिपक गया है। इसे हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं बट ये हट नहीं गया है, लगता है हमें इसे फिर से रिप्लेस करना होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये तो जाएगा रिप्लेस के लिए, बट इसकी क्वालिटी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि हम लोग इसे रिप्लेस कर रिटर्न का ये डिसाइड तो कर ले। तो मुझे लग रहा है ये देखने में काफ़ी सुंदर दिखेगा, क्योंकि बस इसमें एक ये मतलब मुझे कमी लग रही है या एक इशू जो है मेरे लिए यही है कि इसमें थर्मोकोल चिपक गया है जो हटाने से भी हट नहीं रहा है, यानी कि हमें दूसरा पीस मंगाना पड़ेगा। चलिए सब देख लेते हैं लगा के। तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, राइट राइट, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम लोगों ने मंगाया था मंदिर के पास के लिए, कहीं इस जगह पे हमें लगाना था, बट कोई बात नहीं, हम इसे रिप्लेस करेंगे और इसे अब ऑफ कर देते हैं। और चंदन इसे रिप्लेस पे लगा दीजिए। मैंने पहले ही लगा दिया। वाह गुड, आपने पहले देख अनबॉक्सिंग कर रखी थी ना, इसीलिए इसमें अडेप्टर भी नहीं था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मम्मा मैं मैंगो लस्सी बना दूंगा। मैंगो लस्सी बनाना है कैसे? सिर्फ लस्सी मैंगो वाला बनाना है? ठीक है बना दे। A few moments later. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये है चंदन का। तो अब हम लोग बात करते हैं आज की समरी की। रुको जरा, सबर करो। मीनवाइल फ्रेंड्स, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या किया। हमारा डाइट ठीक था लेकिन डिनर में मुझे जरा सी भूख नहीं थी, तो डिनर मैंने अवॉइड किया, स्किप नहीं किया है क्योंकि मुझे जरा सी भूख नहीं थी। क्या बोला तूने? अगर आपको एकदम ऐसा लगे कि डिनर लेने की ज़रूरत नहीं है तो आप तब स्किप कर सकते हो। तो मुझे आज ऐसी ही फीलिंग आ रही थी और बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि मुझे डिनर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डिनर को नहीं लिया है और अभी जस्ट मैंने त्रिफला लिया। और अभी हम बताते हैं आपको कि स्टेप्स कितने हुए हैं। तो इट्स 9855। क्या बात है। तो अच्छे हैं, नियर अबाउट 10,000 और कैलोरीज बर्न हुई है 382। तो ठीक है, आज की एक्टिविटी भी अच्छी रही एंड बहुत सारा वर्क था घर का, तो फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी ही रही। एंड अबे जल्दी बोल, साक्षी ने भी आज बहुत सारा वर्क किया, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो ये भी आज से पढ़ना स्टार्ट की है। और इधर कुछ दिनों से साक्षी की पढ़ाई बंद थी, तो अब साक्षी भी सीरियस हो गई है पढ़ाई को लेकर के। और अभी साक्षी मेरे साथ कुछ ऐसे ही बुक्स पढ़ती है क्योंकि इसे ये बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। वो गैम्बो खुश हो क्यों साक्षी? कैसा लगता है पढ़ना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, समझ में भी आता है? साक्षी को समझ में भी आता है। जब मैं सुनती हूँ इसे क्या समझ में आता है, तो मुझे भी हैरानी होती है कि इतनी छोटी लड़की को ये सारे बुक समझ में आते हैं। जो दिन था वो काफ़ी अच्छा भी था। आज है 26th day। सही बात है। तो यानी कि अब हमारे पास 27, 28, 29 and 30 चार डे बाकी हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल मेजरमेंट करेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट आया है, वो देखेंगे। तो अभी इसके लिए हमें टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे सोना होगा, साक्षी को भी टाइम पे सोना होगा। साक्षी अब बाकी बुक कल पढ़ेंगे, ओके? और अभी हम लोग सो जाते हैं। साक्षी गुड नाइट करेगी, गुड नाइट तो करना।